आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सभी इतने व्यस्त हो गए हैं कि एक दूसरे के लिए समय निकालना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसे में शुक्र है उस छोटे से डिवाइस का जिसे हम मोबाइल फ़ोन कहते हैं, क्यों है ना रितिका? बिल्कुल ठीक कह रही हो अनुष्का, ये जो मोबाइल फ़ोन है ये हमारी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया है। मतलब हम इसका इस्तेमाल कभी भी कहीं पर भी कर सकते हैं, चाहे हम अपने घर में हो, अपने ऑफिस में हो या फिर रास्ते में चलते हुए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब इन शॉर्ट ऐसे लगता है कि इस मोबाइल फ़ोन के बिना ना आज हमारी ज़िंदगी अधूरी है। बिल्कुल, आज हम देश के हर कोने में बैठकर मोबाइल फ़ोन कनेक्टिविटी का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही इंटरनेट ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी भी तो तेज़ी से आगे बढ़ रही है। बिल्कुल, क्या तुमने कभी सोचा है फ़ोन कॉल की क्वालिटी भी कितनी ज़रूरी है? और जब भी फ़ोन कॉल की क्वालिटी की बात आती है तो हमें याद आता है ट्राई, यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, जो हमारी कॉल की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। बिल्कुल, ट्राई का मुख्य उद्देश्य ही यही है कि हम इन बेहतरीन सेवाओं का लाभ उठा सकें, ताकि कहीं शहर में बैठे हों या कहीं गांव में दूर बैठे हों, हमारा कम्युनिकेशन, आपस में हमारी बातचीत निरंतर चलती रहे। और आज हमें बेहद खुशी है कि हमारे साथ इस वक्त दूरदर्शन के स्टूडियोज में हैं ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है डीडी मॉर्निंग शो में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सर, आज हमारा देश इतना विशाल है, मोबाइल फ़ोन यूज़र्स की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, साथ ही टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स के बीच भी एक होड़ मची हुई है कुछ ना कुछ नया करते रहने की, कुछ इनोवेटिव करते रहने की। तो ऐसे समय में ट्राई के चेयरमैन के रूप में आपकी क्या प्राथमिकताएं हैं? ट्राई दो बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्रों का रेगुलेशन करता है, जिसमें एक, जैसा आपने अभी कहा, टेलीकम्युनिकेशन है और दूसरा है ब्रॉडकास्टिंग। टेलीकम्युनिकेशन का महत्व यह है कि आज हम डिजिटल इकोनॉमी, डिजिटल गवर्नेंस और डिजिटल सोसाइटी की तरफ बढ़ रहे हैं, और इसका जो पूरा आधार है वो टेलीकम्युनिकेशन है। ब्रॉडकास्टिंग तो हमारे लिए चाहे इंफॉर्मेशन हो, नॉलेज हो या एंटरटेनमेंट हो, ये हमारे एवरीडे लाइफ का हिस्सा है। तो जो इसमें ट्राई का उद्देश्य है कि इन दोनों सेक्टर्स में जो उद्योग हैं और जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, उनके ऑर्डरली ग्रोथ को हम फैसिलिटेट करें और साथ ही हम उपभोक्ताओं के जो हितों की रक्षा है उसको सुनिश्चित करें। तो इस उद्देश्य को लेकर के ट्राई आगे बढ़ता है। तो कुछ चंद प्राथमिकताएं जो मैं बताना चाहूँगा, टेलीकॉम सेक्टर में जैसा आपने अभी चर्चा की, क्वालिटी ऑफ सर्विस सर्वोच्च प्राथमिकता है। जो दूसरी प्राथमिकता है वो है स्पैम कॉल्स की, जो कि आई थिंक एवरीडे हमारे प्रत्येक नागरिक के लिए एक इशू है। जो तीसरी प्राथमिकता है वो, जैसा आप जानते हैं कि भारत सरकार ने एक नया टेलीकम्युनिकेशन एक्ट हाल ही में लाया है, जो कि बहुत ही एक प्रोग्रेसिव एक्ट है, और उसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए जो हमें अपने हमारे पूरे लाइसेंस से ऑथराइजेशन के फ्रेमवर्क की ओर एक महत्वपूर्ण शिफ्ट लाना है, तो उसके लिए हमें नए नियम बनाने हैं और उसका पूरा एक ढांचा, फ्रेमवर्क तैयार करना है। तो ये तैयार करके ताकि जो एक्ट पार्लियामेंट ने पास किया है उसको क्रियान्वित किया जा सके, ये एक हमारी एक प्राथमिकता है। इसी के साथ जो अब एक नई दिशा आ रही है कम्युनिकेशन में, वो है सैटेलाइट कम्युनिकेशन की, जो पर्टिकुलरली जो हमारे रिमोट एरियाज़ हैं, विलेजेस हैं, जहाँ पे अभी नेटवर्क नहीं पहुँच पा रहे हैं, वहाँ कम्युनिकेशन प्रोवाइड कर सकता है। तो उसके क्या टर्म्स एंड कंडीशंस हों और उसके लिए क्या प्राइस निर्धारित हो, इस पर हमें कार्य करना है। ओके, यदि ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर की मैं बात करूँ तो पुनः जो ब्रॉडकास्टिंग सेक्टर का कैरियज है वो टेलीकम्युनिकेशन एक्ट से गवर्न होता है। तो अगेन जो उसका जो लाइसेंसिंग फ्रेमवर्क है वो हमें पुनर्निर्धारित करना है नए एक्ट के तहत, तो उस पर हमें तेज़ी से कार्य करना है। एफएम रेडियो एक बहुत सशक्त मीडियम है जो हमारे मासिस तक पहुंचने के लिए, तो उसका कैसे प्रसार हो सके, इसके बारे में हमें कार्य करना है। और जो हमारी ब्रॉडकास्टिंग है उसमें ग्राउंड बेस्ड ब्रॉडकास्टिंग के लिए क्या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क हो, इस पर हमें कार्य करना है। तो ट्राई कैसे सुनिश्चित करता है कि ये जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं ये अपने यूज़र्स को हाई क्वालिटी सर्विसेज दे रहे हैं कि नहीं? देखिए, क्वालिटी ऑफ सर्विस को हमें इंश्योर करने के लिए हमें आवश्यक है कि पहली चीज़ हम उसके मानक निर्धारित करें जी, क्वालिटी ऑफ सर्विस के।
फिर उन मानकों पर हम पीरियडिकली उन पे उन मानकों पे क्या परफॉर्मेंस है उसकी रिपोर्ट्स लें, ये जांच करें कि वो रिपोर्ट्स जो हमको सबमिट की गई वो सही हैं या नहीं है, और फील्ड में जा कर के उनका सैंपल टेस्टिंग करें कि जो रिपोर्ट में दिया गया है और जो फील्ड में है जी, वो आपस में मैच करता है कि नहीं करता है। हमारे पास 4G और 5G नेटवर्क है, हाई स्पीड ब्रॉडबैंड आ चुका है, और जो जो यूज़ का पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है, अब डेटा सेंट्रिक हो चुका है। तो इसको ध्यान में रख कर के ट्राई ने ये पूरे नियमों को जो 3 पुराने नियम थे उनको रिव्यू करके, और अब जो हमारा नेटवर्क भी है वो चाहे ब्रॉडबैंड हो चाहे वॉइस कम्युनिकेशन हो, उसका जो बैकबोन है वो कॉमन होता है, तो उसके लिए एक सिंगल नियम निर्धारित किए हैं और उसको पूर्ण आज की आवश्यकताओं के आधार पे उसको हमने पुनर्निर्धारित किया है। ओके सर, 1 अक्टूबर 2024 से ये जो नियम लागू होने वाले हैं, इनमें क्वालिटी ऑफ सर्विसेज की निगरानी को लेकर ट्राई ने क्या प्रावधान किए हैं? पहला परिवर्तन तो हमने ये किया है कि जो जितना भी रिपोर्टिंग होगा वो अब ऑनलाइन होगा। ये पूर्व में हमें जो रिपोर्ट्स पेपर पे या ईमेल आदि के जरिए मिलती थी, वो आज टेक्नोलॉजी के हिसाब से ऑनलाइन इसका रिपोर्टिंग किया जाए। दूसरा, जो मोबाइल सर्विसेज हैं उनका महत्व इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि पूर्व में हम इसको क्वार्टरली रिपोर्टिंग लेते थे, उसको चेंज करके हमने मंथली रिपोर्टिंग सिस्टम उसका बनाया है। तीसरी बात यह है कि मोबाइल सर्विसेज का मॉनिटरिंग है वो पहले बेस स्टेशन लेवल पे होता था, जबकि एक बेस स्टेशन में कई सेल हो सकते हैं, तो अब उसको मॉनिटरिंग को हम चेंज करके सेल स्तर पर मॉनिटरिंग करेंगे। इसके अलावा अगर किसी भी ज़िले में 4 घंटे से ज़्यादा के लिए अगर नेटवर्क बंद होता है किसी भी कारण से, तो सर्विस प्रोवाइडर को हमें ट्राई को रिपोर्ट करना होगा। तो मोबाइल यूज़र्स के अगर हितों की रक्षा की बात करें तो किस तरह के जो नए क्वालिटी ऑफ सर्विस में क्या महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए हैं, और साथ ही इन नए रेगुलेशंस को लागू करने के लिए जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उन्हें कितना वक्त दिया गया है ताकि वो अपने सिस्टम्स और अपने सर्विसेज को अपडेट कर सकें? उपभोक्ता के दृष्टिकोण से देखें तो पहला इसमें जो महत्वपूर्ण इसमें पहलू ये है कि अब सभी टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स को ये कहा गया है कि वो अपना कवरेज मैप अपनी वेबसाइट पर डिस्प्ले करेंगे, ताकि उपभोक्ता ये जान सके कि उसके क्षेत्र में किसी सर्विस प्रोवाइडर का कवरेज उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है। दूसरा, जो परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की रिपोर्ट्स जो वो अभी तक ट्राई को सबमिट करते थे वो अपनी वेबसाइट पर भी पब्लिश करेंगे, ताकि उपभोक्ता ये देख सके कि उसके क्षेत्र में जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है उसका जो नेटवर्क है उसकी परफॉर्मेंस कैसी है। okay. तो इससे काफ़ी पारदर्शिता इसमें आएगी। इसके अलावा यदि लंबे समय तक कोई भी सर्विस प्रोवाइडर की सर्विस बंद रहती है तो उसे जो उपभोक्ता है उसको उसका यदि पोस्टपेड प्लान है तो उसको उतना उसको रियायत देना पड़ेगी, या यदि प्रीपेड प्लान है तो उसकी जो वैधता है या वैलिडिटी है उसको बढ़ाना हो। और दूसरी बात आपने की कि इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कितना वक्त दिया जाएगा, तो इसमें हमने जो नेटवर्क की उपलब्धता है, जो कॉल ड्रॉप से संबंधित मानक हैं या जो वॉइस पैकेट ड्रॉप से संबंधित मानक हैं उनको काफ़ी सख्त बनाया है, लेकिन वो इसके लिए उनको अचीव करने के लिए जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स हैं उनको अपने नेटवर्क में सुधार करना होगा, उसको अपग्रेड करना होगा, ताकि जो आवश्यक क्वालिटी के मानक हैं वो उपभोक्ताओं को दे पाएँ, जिसके लिए उन्हें समय चाहिए। तो हमने मानकों के अनुसार से विभिन्न मानकों की तकनीकी आधार पे उनको 6 महीने से लेकर के 2.5 साल तक का वक्त दिया है। लेकिन ये जो वक्त दिया है वो ऐसा नहीं है कि 2.5 साल के बाद का टारगेट दे दिया है, उनको इस बीच में हर 6 महीने या साल भर में उनके मानकों में किस तरह से सुधार होता जाएगा ये भी माइलस्टोन उसमें हमने साथ इस पे भी वॉच रखा जाएगा। सर, कभी कभार क्या होता है कि जब हम फ़ोन पे बात कर रहे होते हैं तो अचानक से जो कॉल होती है वो ड्रॉप हो जाती है, और उस बीच में हमारी कोई इम्पॉर्टेंट बात चल रही होती है तो वो अधूरी रह जाती है, तो ये जो कॉल ड्रॉप की प्रॉब्लम्स है, ट्राई इसमें क्या कदम उठा रहा है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए? देखिए, कॉल ड्रॉप के कई कारण हो सकते हैं। कॉल ड्रॉप होने का कारण ये भी हो सकता है कि उस क्षेत्र में नेटवर्क कवरेज उपलब्ध नहीं है, या कवरेज तो है बट नेटवर्क डाउन है वहाँ पर किसी कारण से, या उस क्षेत्र में एक नए टावर की आवश्यकता है लेकिन राइट ऑफ वे की परमिशन न मिलने के कारण वो टावर लग नहीं पा रहा है,
या ये भी हो सकता है कि कोई दूसरे रेडियो से वहाँ पे इंटरफेरेंस हो रहा है, दूसरे जो सेलुलर टावर है उससे वहाँ इंटरफेरेंस हो रहा है जिससे सिग्नल प्रभावित हो रहा है। तो इस प्रकार के कई कारण इसमें कॉल ड्रॉप में हो सकते हैं। तो इसमें कॉल ड्रॉप में सुधार लाने के लिए हमने इसमें जो हमारा नया रेगुलेशन आया उसमें कई प्रावधान किए हैं। तो सबसे पहले बात तो ये है कि कॉल ड्रॉप का मॉनिटरिंग जैसा मैंने कहा सेल लेवल पे होगा, बेस स्टेशन के स्थान पर। दूसरा, इसका मंथली मॉनिटरिंग होगा। और तीसरी बात यह है कि इसको परसेंटाइल बेसिस पे देखा जाएगा, न कि एवरेज परफॉर्मेंस के बेसिस पे। यानी एवरेज में तो आप पूरे परफॉर्मेंस का एक एवरेज निकाल लेते हैं, लेकिन इसमें मान लीजिए हमने 95% कहा है तो 95% जो कॉल्स हैं वो मटेरियलाइज होना चाहिए, तब उसको सही माना जाएगा। तो इस प्रकार के मानक हमने कॉल ड्रॉप की मॉनिटरिंग के लिए निर्धारित किए हैं। आजकल एक और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है स्पैम कॉल्स और स्पैम मैसेजेस की, जिस वजह से जो है लाखों लोगों के जीवन पर इसका जो है एक गहरा प्रभाव भी पड़ रहा है। तो ट्राई किस तरह से जो स्पैम मैसेजेस हैं, स्पैम कॉल्स आती हैं, इन्हें कंट्रोल करने में क्या भूमिका निभा रहा है? स्पैम कॉल्स हैं या हम कह सकते हैं कि अनसॉलिसिटेड कमर्शियल कॉल्स हैं जी। इनके बारे में ट्राई समय समय से पर नियम बनाता रहा है और जो अभी जो लेटेस्ट नियम है वो 2018 में एक विस्तृत नियम बनाया गया था जिसको कहते हैं टेलीकॉम कमर्शियल कम्युनिकेशन कस्टमर प्रेफरेंस रेगुलेशन 2018, जिसका उद्देश्य ये है कि जो कंज्यूमर है वो उसको जो वो अगर ना चाहे तो उसको कमर्शियल कम्युनिकेशन ना किया जाए, मार्केटिंग कॉल ना किया जाए, और यदि वो चाहता है तो उसको लेजिटिमेट कमर्शियल कम्युनिकेशन कोई भी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए हो सके। तो इसको एक ऑर्डरली वे में फैसिलिटेट करने के लिए ये नियम बनाया गया है। इसके तहत कोई भी जो बिजनेस यूनिट है जो अपना प्रमोशन करना चाहता है उनको किसी भी एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास अपने आप को रजिस्टर करना होगा। फिर यदि वो कोई SMS के जरिए कमर्शियल कम्युनिकेशन करना चाहते हैं तो उन्हें अपने हर कमर्शियल कम्युनिकेशन के लिए एक हेडर उस टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर के पास रजिस्टर करना होगा, जिससे कि जब उपभोक्ता को वो मैसेज मिले तो वो हेडर से आइडेंटिफाई कर सके कि इसका प्रेषक कौन है। जो वॉइस कॉल लेजिटिमेट वॉइस कॉल करने के लिए 140 सीरीज़ की टेलीफोन नंबर अलॉट किए गए हैं और वो नंबर से जब कॉल करते हैं तो जिस उपभोक्ता ने अगर डू नॉट डायल में उसको ब्लॉक किया हुआ है उसको नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को उसका कॉल प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था इसमें की गई। लेकिन अब समय के साथ जो लोगों ने ये तरीका निकाल लिया है कि जो वो बजाय रजिस्टर्ड टेली मार्केटिंग के वो जो नॉर्मल हमारे मोबाइल नंबर्स होते हैं या लैंडलाइन नंबर हैं उनका उपयोग करके वॉइस कॉल्स या SMS कर रहे हैं और उनके खिलाफ जो शिकायत हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हुई है। जी, तो ये हमारे सामने अभी प्रेजेंटली चुनौती है कि हम और इसके ऊपर ट्राई लगातार कार्य करेंगे। सर, जैसा आपने बताया अभी कि आजकल टेलीकॉम रिसोर्सेज का यूज़ करके बहुत सारे साइबर अपराधों को अंजाम दिया जा रहा है, कई बार तो ट्राई के नाम पर ये साइबर अपराध हो रहे हैं, तो इस दिशा में ट्राई क्या प्रयास कर रहे हैं? कई बार हमारे नोटिस में ये लाया गया है कि ट्राई के बिहाफ पर कॉल लोगों को किया गया जिसमें कि उनको ये एक तरह का थ्रेट किया गया कि भाई आपने कोई गलत कार्य किया है, आपके नंबर का दुरुपयोग किया गया है जिसकी वजह से आपका नंबर डिस्कनेक्ट कर दिया जाएगा या आपके खिलाफ पुलिस कार्रवाई हो सकती है या आपके खिलाफ दंड लग सकता है इस पर, और उनसे फिर कुछ कार्यवाही करने के लिए बोलते हैं या कोई लिंक प्रेस करने के लिए बोलते हैं। जो मैं आपके माध्यम से सभी उपभोक्ताओं को या सभी दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि ट्राई कभी भी कोई कॉल किसी कंज्यूमर के नंबर के मिसयूज़ के बारे में कभी नहीं करता है। यदि आपको कोई भी कॉल इस प्रकार का प्राप्त हो जिसमें ट्राई का नाम लेकर के ये कहा जाए कि भी आपने कोई गलत कार्य किया है और आपका नंबर डिस्कनेक्ट हो जाएगा या आपके खिलाफ कार्रवाई होगी, तो इसको एक सस्पेक्टेड फ्रॉड माने
और उस कॉल को डिसकनेक्ट कर दें, वो जो इंस्ट्रक्शन दें उसको फॉलो ना करें. Okay. और उसके बाद में आप अपने टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर से इस कॉल की वैधता के बारे में जांच कर सकते हैं, अन्यथा आप संचार साथी पोर्टल पे इसकी शिकायत कर सकते हैं. यदि किसी के भी साथ में कोई भी स्कैम या फ्रॉड होता है तो उसको उसमें cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट कर सकते हैं, या 1930 उनका हेल्पलाइन नंबर है उस पर रिपोर्ट कर सकते हैं. कंज्यूमर्स की कंप्लेंट्स होती हैं, तो कंज्यूमर की कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए क्या मौजूदा व्यवस्था है ट्राई की फ़िलहाल? किसी भी कंज्यूमर को यदि एक अपने सर्विस प्रोवाइडर से कोई शिकायत है तो वो उसके लिए ट्राई ने दो स्तरीय की व्यवस्था की हुई है. वो हर जो सर्विस प्रोवाइडर है कंज्यूमर को कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आप हेल्पलाइन नंबर या अपनी ऐप के जरिए या अपनी वेबसाइट के जरिए ये सुविधा देगा कि वो कंप्लेंट रजिस्टर कर सके. ओके. और वो कंप्लेंट एक नियत समय के अंदर उसका डिस्पोजल उसको करना पड़ेगा. यदि उपभोक्ता उस डिस्पोजल से सेटिस्फाइड नहीं है तो वो उसके खिलाफ अपील कर सकता है. और हर सर्विस प्रोवाइडर अपना एक अपीलेट अथॉरिटी डेजिग्नेट करेगा जो कि इस अपील को कंसिडर करके और उस पर उसका डिस्पोजल करेगा. Okay. यदि वो उपभोक्ता उससे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो वो पब्लिक ग्रीवांस पोर्टल पर जा सकता है. Okay. या अन्यथा वो कंज्यूमर फोरम में जा करके इस अनसेटिस्फैक्ट्री रिड्रेसल के खिलाफ शिकायत कर सकता है. ओके. तो दर्शकों, आजकल की इस भागदौड़ भरी दुनिया में आप भी अपने मोबाइल फ़ोन्स का सही से इस्तेमाल करें और ट्राई की इस महत्वपूर्ण पहल का फ़ायदा उठाएं जो कि दिन रात हमें बेस्ट कॉल क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए काम कर रहा है. बिल्कुल. और अभी हमने जाना कि किस तरह से ट्राई जो है वो उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने के लिए काम कर रहा है, साथ ही क्वालिटी ऑफ सर्विस को बेहतर करने में किस तरह से एक अहम भूमिका निभा रहा है. और इस सभी जानकारी आज हमारे साथ साझा कर रहे थे ट्राई के चेयरमैन अनिल कुमार लाहोटी जी. सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया डीडी मॉर्निंग शो में आने के लिए और हमारे साथ बातचीत करने के लिए. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू.